संजय राउत फिर 15 श्री संजय राउत हम लोग 5 श्री संजय राउत प्लीज सर राष्ट्रपति जी के जो टाइम दिया उस हिसाब से राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर हम लोग 5 मिनट चर्चा कर रहे हैं कल 5 मिनट जरूर मिलेगा। कल धर्मेंद्र प्रधान जी यहाँ बोल रहे थे और बार बार हमारी तरफ कटाक्ष करके हमें ये बोल रहे थे कि सच सुनो, सच सुनने से मोक्ष प्राप्त होता है। हम तो 6 साल से सच सुन रहे हैं और झूठ को भी सच मान रहे हैं, लेकिन आज जो चल रहा है हमारे देश में, जो माहौल है, मैं देखता हूं जो सच बोलता है, जो सच लिखता है उसे गद्दार, देशद्रोही कहकर पुकारा गया, बोल दिया जाता है। कल इस बारे में चर्चा हम लोगों ने की, दिग्विजय साहब ने बहुत उस बारे में कहा है। सर जो सरकार से सवाल पूछेगा उस पर देशद्रोही का मुकदमा आज ठोक दिया जाता है। कितने नाम मैं आपको बता सकता हूं, हमारे सदन में संजय सिंह जो हमारे सदस्य है, संजय सिंह उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा है। राजदीप सरदेसाई जाने माने पत्रकार जिसको हमने सरकार ने पद्मश्री दिया है, पद्म पुरस्कार सम्मानित किया है, उसको हमने देशद्रोही बना दिया है। शशि थरूर जो यूनाइटेड नेशन में हमारे देश के प्रतिनिधि थे, एमपी है, कैबिनेट में थे, उसको भी देशद्रोही का उसके ऊपर मुकदमा ठोक दिया है। जो सिंघू बॉर्डर पर रिपोर्टिंग करने वाले मंजीत सिंह, धर्मेंद्र सिंह और भी ऐसे बहुत से पत्रकार है या लेखक है, उसको हमने इस कानून के तहत, देशद्रोही के कानून के खिलाफ मुकदमा ठोक दिया है। मुझे लगता है कि हमारे कानून के किताब में से सब आईपीसी धाराएं खत्म कर दी और सब देशद्रोही की धारा एक वही रख दी है। डोमेस्टिक वायलेंस हो तो भी देशद्रोह का मुकदमा आप ठोक देंगे। पंतप्रधान मोदी हमारे लिए आदरणीय है, देश के प्रधानमंत्री जी का हम सम्मान करते करते रहेंगे। उन्हें प्रचंड बहुमत मिला है देश चलाने के लिए, हमें मानते हैं, लेकिन बहुमत जो होता है वो अहंकार से नहीं चलाया जाता, बहुमत बड़ा चंचल होता है। हमारे मराठी के एक संत है तुकाराम, संत तुकाराम, उसने कहा है निंदकाचे घर असावे शेजारी। उसका मतलब है जो आपका निंदक है, जो आपके ऊपर क्रिटिसाइज करता है, आपको आईना दिखाता है, वो आपके आसपास रहना चाहिए, उसका घर आपके बगल में रहे। लेकिन आज ऐसा है कि जो निंदा करे, जो टीका करे, आप उसको बदनाम कर देते हो। जैसे किसान आंदोलन, जिस तरह से इस किसान आंदोलन को भी बदनाम करने की कोशिश या साजिश चल रही है, मुझे लगता है देश के प्रतिष्ठा के लिए ठीक नहीं है, किसानों के लिए ठीक नहीं है, हम सब के लिए ठीक नहीं है। 26 जनवरी लाल किले पर तिरंगे का अपमान हुआ, उससे हमारे प्रधानमंत्री बहुत दुखी हो गए, पूरा देश दुखी हो गया। लेकिन लाल किले पर तिरंगे का अपमान करने वाला जो कोई दीप सिद्धू है, वो कौन है, किसका आदमी है, उस बारे में तो आप नहीं बताते। वो किसका आदमी है, उसको किसने ताकत दी है? ये सिद्धू अब तक पकड़ा नहीं गया, लेकिन 200 से ज्यादा किसान इस प्रकरण में तिहार जेल में बंद है और उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। 100 से ज्यादा आंदोलक जो युवा है वो लापता है, वो कहां है, पुलिस ने उसका क्या किया, उसका एनकाउंटर किया है, क्या क्या है, मार दिया, वो पता नहीं है। तो ये जो है ये देशद्रोही है, अपने हक के लिए लड़ते हैं, लेकिन देश प्रेमी कौन है हमारे देश में? अर्णब गोस्वामी, जिसके वजह से एक निरपराध व्यक्ति महाराष्ट्र में जिसने आत्महत्या की, कंगना रनावत, ये देश प्रेमी है। राष्ट्रीय नेशनल सिक्योरिटी ऑफिशियल सीक्रेट संदर्भात उस संदर्भ में उसने जो सामने लाया है पूरा ऑफिशियल सीक्रेट तोड़ दिया हमारा। बालकोट स्ट्राइक के बारे में पहले से जानकारी सबको बता दी, हाँ वो आपके शरण में है, उसको आपका प्रोटेक्शन है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, आप उसके ऊपर बात नहीं करते। और यही आदमी अर्णब गोस्वामी जो हमारे मंत्री बैठे हैं वहां, प्रकाश जावड़ेकर जी, हम उसका आदर करते हैं, हमारे महाराष्ट्र से क्या लिखा उसके बारे में, प्रकाश जी के बारे में जो उसने पूरा जो आप संभाषण जो डायलॉग आया है ना, तो एक कैबिनेट को भी
ये ठीक नहीं है हमारे सरकार को ठीक नहीं। एक मंत्री के बारे में एक टीवी एंकर जिस भाषा का इस्तेमाल करते, अरे हम छोड़ो, हम राजनीति में, हमारे बारे में आप कुछ भी बोलो हम सहन लेंगे, लेकिन एक कैबिनेट में एक हमारे मंत्री है उस बारे में जो बात करती है और आपको शर्म आनी चाहिए सबको, आप उसको शरण दे रखी है, तो ये जो चल रहा है ये नहीं चलेगा सर। राष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में कहा है, भारत जब जब एकजुट हुआ है तब तब उसने असंभव से लगने वाले लक्ष्यों को प्राप्त किया है, एकजुटता की बात की है। अगर ये बात सच है तो गत 3 महीनों से दिल्ली के सीमा पर किसान आंदोलन की एकजुटता तोड़ने में सरकार की लगी है। संजय जी, हजारों किसान गाजीपुर सिंगू बॉर्डर पर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और आप इस एकजुटता में आपको देशद्रोह दिखता है। प्लीज चेयरमैन सर, चेयरमैन सर, ये पंजाब हरियाणा और पश्चिमी यूपी का किसान पूरे देश के किसानों की लड़ाई लड़ रहा है, वो सिर्फ 3 राज्यों की लड़ाई नहीं है और पूरा देश उनके साथ है, तो उनको देशद्रोह कहना ठीक नहीं। ये पंजाब का किसान हमारा सिख भाई जब मुगलों से लड़ा तो हम उसे योद्धा कहते थे, जब अंग्रेजों से लड़ा तो हम उसे देशभक्त कहते थे, कोरोना वायरस में लंगर बांट रहा था तो देश प्रेमी था, लेकिन आज वो अपने हक के लिए लड़ता है तो वो खलिस्तानी हो गया, वो देशद्रोही हो गया, ये कौन सा अन्याय है? आप उसको रोकने के लिए बॉर्डर पर किले ठोकते हो, वो बड़े बड़े बैरिकेड्स करते हो, ये बैरिकेड्स, ये किले का जाल अगर आप लड़ाक के बॉर्डर पर करते तो चीन की राइट, संजय जी प्लीज अंदर नहीं आती। मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, ये ठीक नहीं है, प्लीज।